आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, SBI ATM से आप बिना डेबिट कार्ड के निकाल सकते हैं पैसे। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला, PM मोदी ने अफसरों के साथ की है बैठक। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल के 25,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 65,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार की ओर से बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया है, क्या है लिया गया ये फैसला बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, SBI ATM से बिना डेबिट कार्ड के निकाल सकेंगे पैसे। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ग्राहक है और कैश विड्रॉल के लिए ATM कार्ड लेकर चलने में दिक्कत महसूस करते हैं या फिर घर पर ATM कार्ड अगर आप भूल गए तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल SBI अपने ग्राहकों को बिना ATM डेबिट कार्ड के भी यहाँ पर कैश निकालने की सुविधा देता है। इसके लिए बैंक आपको योनो कैश की सुविधा यहाँ पर देता है। इसकी मदद से आप ATM के अलावा POS टर्मिनल और कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी CSP से भी यहाँ पर कैश निकाल सकेंगे। इसके लिए आपके फ़ोन में SBI का जो योनो ऐप है वो होना चाहिए। इस ऐप के जरिए आप देश में SBI के किसी भी ATM से कैश यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस सुविधा के जरिए आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये SBI ATM से निकाल सकते हैं। वहीं SBI ATM से यहाँ पर पैसे निकालने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे पहले आपको योनो ऐप जो है वो लॉगिन करना होगा, उसके बाद होम पेज पर योनो कैश पर क्लिक करें, अब योनो ATM सेक्शन पर क्लिक करें, इसके बाद अमाउंट एंटर करें, 6 अंकों का एक पिन बनाना होगा, इसके बाद योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगा। वही ये 6 घंटे के लिए वैलिड रहता है। वही ATM पर योनो कैश ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक आपको करना होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर और आपके द्वारा बनाए गए 6 अंकों के पिन जो है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो क्रिप्टो करेंसी पर मोदी सरकार जल्द दे सकती है बड़ा फैसला, PM मोदी ने अफसरों के साथ की है अहम मीटिंग। क्रिप्टो करेंसी पर निवेश को भारी रिटर्न का फर्मिक दावों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर नीति बनाने के लिए शनिवार को एक्सपर्टों के साथ एक विशेष बैठक की। वही सूत्रों के मुताबिक बैठक में PM मोदी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर बढ़ चढ़ कर वादे करने और गैर पारदर्शी विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। वही PM मोदी ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के अनियंत्रित बाजारों को धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता है। वही गैर विनियमता क्रिप्टो बाजारों को काला धन सफेद करने और आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषण की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा सकती। वही क्रिप्टो करेंसी पर हुई इस हाई लेवल बैठक में धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण के जोखिम पर चिंता यहाँ पर जताई गई। एक्सपर्टों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को क्रिप्टो बाजारों के लिए या जो क्रिप्टो बाजार है उनके लिए जरूरी प्रयोग बनाने के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ सक्रियता को जोड़ना होगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, UP पुलिस कांस्टेबल के 25,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। UP पुलिस विभाग में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी निकल कर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बंपर भर्ती निकलने वाली है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार UP पुलिस में सिपाही के कुल 29,000 पद रिक्त है। इनमें से उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति की ओर से यहाँ पर 25,000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की वैकेंसी निकाली जा सकती है। वही UP पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी यहां पर भेजा है। वही सरकार की मोहर लगते ही सिपाही भर्ती के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार को सलाह है कि इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट upppbpb.gov.in पर समय समय पर विजिट करते रहे। वही उत्तर प्रदेश में हुई पिछली भर्तियों के अनुसार देखें तो कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करने के लिए 18 से 30 साल तक के पुरुष इसके लिए यहाँ पर योग्य होंगे। वही जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास मांगी जा सकती है। हालांकि आयु सीमा और योग्यता संबंधी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यहाँ पर आपको मिल सकेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली को मिलेगी नंगे तारों से मुक्ति, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाई है ये बड़ी योजना। देश की राजधानी दिल्ली को खूबसूरत बनाने और दिल्ली वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार जल्द ही
शहर को नंगे तारों से मुक्ति यहाँ पर दिला देगी। इसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने योजना भी तैयार कर ली है। वह दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की लागत से नंगे तारों को केबल में बदला जाएगा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में 1100 वोल्ट वाले जो लटकते तार है वो यहाँ पर हमेशा जनमाल के नुकसान की संभावना से बनी रहती है। वहीं दिल्ली वालों की यहाँ पर जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर 11 किलोवाट के लटकते नंगे विद्युत तारों को केबल में यहाँ पर सरकार बदलेगी। वहीं केजरीवाल सरकार ने 11 केवी के वायर कंडक्टर को यहाँ पर इंसुलेटेड कंडक्टर्स में बदलने की पॉलिसी यहाँ पर ली है, मतलब इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। वह पॉलिसी के तहत इन्हें इंसुलेटेड यहाँ पर कंडक्टर्स में बदलने के बाद खतरे की संभावना हमेशा के लिए समाप्त यहाँ पर हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो झारखंड में 65,000 शिक्षकों को सरकार देगी सौगात, 23 तारीख को होगा ऐलान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को 2 वर्ष पूरा करेगी। इसी दिन राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को एक बड़ी सौगात यहाँ पर सरकार देगी। वह स्थायीकरण और वेतनमान निर्धारण को लेकर शनिवार को रक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पारा शिक्षकों की बैठक में यह तय हुआ। वही झारखंड बिहार के मॉडल को अपनाएगा और पारा शिक्षकों से संबंधित सारी घोषणाएं 29 दिसंबर को की जाएगी। वही बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बिहार की नियमावली का पालन करेंगे और हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर इसकी घोषणा यहाँ पर करेंगे। वही बिहार के तर्ज पर झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लागू करने के लिए तैयारी कर रही है। वही हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान देने की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। इसे राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के दिन जल्द यहाँ पर सुधरेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो यूपी में ESIC के सदस्यों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नौकरी बदलने पर मिलेगा तुरंत बीमा का लाभ। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्यों को आने वाले वक्त में नौकरी बदलने पर भी तुरंत बीमा का लाभ मिल सकेगा। वही उत्तर प्रदेश में ये बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है। दरअसल मेंबर्स कर्मचारी का इंश्योरेंस नंबर जल्दी यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के UN अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यानी नई व्यवस्था में कर्मचारी अगर नौकरी बदलते हैं तो अब उनकी जो बीमा संख्या है उसमें किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं होगा। वे पहले की तरह स्कीम का फायदा हासिल करते रहेंगे। यानी मेंबर्स को योजना का लाभ के लिए इंतजार नहीं करना होगा। अब तक कर्मचारी द्वारा नौकरी बदलने पर ESIC में हर बार उनको अलग पंजीकरण करना होता है जिससे बीमा नंबर बदल जाता था। वैसे इसके लिए किसी भी मेंबर्स का 78 दिनों तक का अनुदान ESIC में जमा होना जरूरी है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस चीज का जिम्मा नियोक्ताओं को सौंपा गया है जिन्हें EPFO की वेबसाइट पर UN नंबर लिंक करने का पेज मुहैया कराया गया है। साथ ही UN से बीमा नंबर लिंक करने के लिए भी यहां पर कहा गया। बताया गया है कि नियोक्ता चाहे तो एक बार में 500 कर्मचारियों के एक्सेल पेज को लिंक कर सकते हैं या फिर वे एक एक करके भी ये काम निपटा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है दमदार मोबाइल गेम PUBG न्यू स्टेट। PUBG न्यू स्टेट गेम की लॉन्चिंग 11 नवंबर को हुई थी। वही बड़ी संख्या में यूजर्स ने इस गेम को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि PUBG न्यू स्टेट गूगल प्ले स्टोर पर ही 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों द्वारा यहां पर डाउनलोड किया जा चुका है। हालांकि ये बग से संबंधित रिपोर्ट आने के बाद में इसमें कई प्लेयर अपने अकाउंट में लॉग इन कर पाने में असमर्थ थे। वही कुछ अन्य गेम बूटिंग जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। इस गेम के डेवलपर कंपनी क्रोप्टोन का कहना है कि वह इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास एंड्रॉयड का एक ऑप्शनल अपडेट है जिसमें लोगों को गेम क्रैश, बूटिंग इश्यू आदि का ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। कोरोना ने लगातार दूसरे दिन ली है 500 से ज्यादा जाने। 24 घंटों में मिले हैं 11,850 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,850 नए मामले सामने आए हैं। वही इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वही उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,308 हो गई है जो कि पिछले 274 दिनों में सबसे कम है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जानकारी सामने आई है कि सुबह 8 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक देश में इस अवधि में 555 मरीजों की मौत होने से महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 4,63,000 पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में दैनिक वृद्धि लगातार 36 दिनों से 20,000 से नीचे है। ये 139 दिनों से 50,000 से कम बनी हुई है। वही बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,38,00,000 पार हो चुकी है जबकि मृत्यु दर भारत में 1.35% है। जबकि
देश भर में यहाँ पर राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत कुल 1,11,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,00,000 यहाँ पर जो उपचाराधीन मरीज है उनकी संख्या यानी जो एक्टिव केस फिलहाल जो बचे हैं वो 1,36,000 के आसपास है, जबकि संक्रमण का जो टोटल ये है जो 0.4% है। वही मार्च 2020 के बाद अब तक का सबसे एक्टिव केस कम है। वही कोविड 19 से स्वस्थ होने वाली राष्ट्रीय दर 58.26% पहुंच गई है। भारत में रिकवरी रेट 58.26% हो गई है। वही मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा यह है। वही पिछले 24 घंटों में कोविड 19 मरीजों की संख्या में 1,100 की कमी दर्ज की गई है। वही दैनिक संक्रमण दर 0.94% है। वही पिछले 40 दिनों में 2% यहाँ पर नीचे है। वही साप्ताहिक संक्रमण दर भी 1.05% दर्ज की गई है। पिछले 50 दिनों में ये 2% से भी कम है।